सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक राहगीर राहा से कहीं दूसरे गांव में जा रहा था। राहगीर को रास्ता बताना भी धर्म का काम है, याद रखें। कोई राहगीर जा रहा हो, अगर वो रास्ता पूछे तो उसे रास्ता बताना चाहिए, और जो रास्ता नहीं बताता है ये पाप करता है, जानबूझ के ना बताए तो वो पाप है। एक राहगीर रास्ते में जा रहा था तो उसे एक नगर में पहुंचा, तो एक गांव में जाना था। नगर में पहुंचा, एक चौड़ाया था तो उसे पता नहीं था किधर जाना है। तो वहां चौड़ाए पर चार पांच दुर्जन पत्ते खेल रहे थे। पत्ते जानते हैं? तो कुछ दुर्जन पत्ते खेल रहे थे। तो उन्होंने, उस राहगीर ने उनसे पूछा, भैया मुझे फलाने गांव जाना है, वो रास्ता बताओगे क्या? तो गलत दिशा बता दी, क्योंकि दुर्जन तो दुर्जन होता है, गलत दिशा बता दी। बेचारा 3 किलोमीटर उस गलत रास्ते पर चला गया। वहां से एक बड़े रुबाबदार एक ऐसे महानुभाव आ रहे थे, घोड़ी पर सवार थे, और घोड़ी पर सवार थे। उनसे पूछा, भाई मुझे उस गांव जाना है, उस गांव में वो रास्ता कहाँ से है? तो उन्होंने कहा, तुम तो गलत दिशा में आ गए, चलो बैठो। तो उसको भी घोड़ी पे बैठा ला, वो सज्जन थे। तो उस मोड़ पे पहुंचे जहां वो पत्ते खेल रहे थे, और जब वो वहां पहुंचे, बोले इस रोड से आप चले जाओ तो आप सीधे उस गांव में पहुंच जाओगे, लेकिन एक बात बताओ, जब आप यहीं से तो गए होगे। बोले हाँ, तो यहां ये लोग बैठे थे, इनसे ही पूछ लेते रास्ता। अरे बोले महाराज, इन्होंने ही तो ये रास्ता बताया था मुझे, इन्होंने ही बताया था। बोले हाँ रुको। तो वो घोड़ी से नीचे उतरे, और घोड़ी से नीचे उतर के अपने पांव का अपने हाथ में लिया, समझ गए, जो पांव में पहना हुआ था वो हाथ में लिया, और चारों पांचों की वो जबरदस्त धुनाई की, पहले उनकी धुनाई की, उसके बाद में उनसे कहा, मूर्ख हो, तुमने इसे जानबूझ के गलत रास्ता बताया। क्यों जानबूझ के तुमने गलत रास्ता बताया? तो उन चारों पांचों ने कहा, महाराज इन्होंने आपकी तरह थोड़ी पूछा था जो हम सही रास्ता बताते। जोर से बजा लो अगर आप दुर्जन नहीं हो तो। अगर ये आपकी तरह पूछते तो हम सही रास्ता बताते, इन्होंने आपकी तरह नहीं पूछा। कुछ लोग होते हैं जो वाकई वो पिट पिटा के ही कंट्रोल में आते हैं। ऐसा मत बनाओ अपने आप को। पिटना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो ईश्वर के द्वारा भी हमें पिटना पड़ेगा, समय के द्वारा पिटना पड़ेगा, परिस्थितियां हमें पीट डालेंगे।